सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म्स लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत करते हैं। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अंतर्गत मैंने यहाँ रिलीज की गई है, जहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए वेरियस पदों पर कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पोस्ट की डिटेल्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर रिसर्च साइंटिस्ट 1 के लिए 2 पोस्ट दिए गए हैं, जहाँ पर आपके पास में क्वालिफिकेशन रखी गई है MEMTech, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के साथ में होना चाहिए और इसके साथ में 1 साल के आपके एक्सपीरियंसेस मैंडेटरी है। इसके बाद पोस्ट यहाँ रिसर्च साइंटिस्ट 2 के लिए, जहाँ पर 1 पोस्ट दिया गया है, यहाँ पर आपके पास MSc MTech होना चाहिए, जो कि जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस के साथ में होना चाहिए और इसके साथ में आपके PhD कम्प्लीट होना चाहिए और 1 साल के आपके रिसर्च में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इसके बाद पोस्ट यहाँ रिसर्च साइंटिस्ट 3 के लिए, जहाँ 1 पोस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपके पास में MSc MTech होना चाहिए बॉटनी, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ में और इसके साथ में 1 साल के आपके एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और यहाँ पर भी आपकी PhD मैंडेटरी है। इसके बाद पोस्ट या रिसर्च साइंटिस्ट 4 के लिए, जहाँ 1 पोस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन रखी गई है MSc MTech, जो कि फिजिक्स, मेट्रोलॉजी, एटमोस्फेरिक साइंस, अर्थ सिस्टम के अंतर्गत में होना चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में और इसके साथ में PhD आपके लिए मैंडेटरी है। इसके बाद पोस्ट यहाँ रिसर्च साइंटिस्ट 5 के लिए, जहाँ 1 पोस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन रखी गई है MSc MTech, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोग्राफी, अप्लाइड जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेट्रिक्स के अंतर्गत में होना चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में और यहाँ पर भी आपके PhD मैंडेटरी है। इसके बाद पोस्ट यहाँ रिसर्च साइंटिस्ट 6 के लिए 1, जहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है MEMTech, जो कि रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में होना चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ और यहाँ पर इसके बाद पोस्ट है यहाँ रिसर्च साइंटिस्ट 7 के लिए 1 पोस्ट, जहाँ पर MSc MTech होना चाहिए, जो कि रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में होना चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में। इसके बाद पोस्ट है यहाँ रिसर्च साइंटिस्ट 8 के लिए, जहाँ 1 पोस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास MEMTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के साथ में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में, जो कि 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ में होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट है यहाँ रिसर्च साइंटिस्ट 9 के लिए, जहाँ पर 1 पोस्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए MEMTech, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के साथ में होना चाहिए 1 साल के एक्सपीरियंस आपके यहाँ पर मैंडेटरी होंगे। इसके बाद पोस्ट है यहाँ JRF के लिए, तो यहाँ JRF 1 जो होंगे उनके लिए 1 पोस्ट है, जहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्लास MSc होना चाहिए जियोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत में। इसके बाद पोस्ट है यहाँ JRF 2 के लिए, जहाँ 7 पोस्ट दिए गए, यहाँ MEMTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत में होना चाहिए और इसके साथ में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। इसके बाद है JRF 3 के लिए पोस्ट, जहाँ 1 पद दिया गया है, यहाँ पर भी आपके वैलिड नेट गेट के स्कोर होना चाहिए और इसके साथ में MEMTech होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग के साथ में। तो यहाँ पर जो रिसर्च साइंटिस्ट होंगे उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 रखी गई है। इसके अतिरिक्त जूनियर रिसर्च फेलो के लिए जो होंगे उनको 28 वर्ष तक का अपर एज लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना फॉर्म फिल करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं, उसके बाद में सबमिट का बटन दबाकर सामने जो डिटेल्स दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 30 नवंबर 2022 के पहले अपना आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म स्लिप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिले।